अल्लाह वीडियो और गाइस अभी हम इसमें से चूज करेंगे कौन सा खाएंगे हम, ठीक है? पेंडिंग है सर, त्रास लगे हुए। फाइनली हम यहाँ से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। ये मस्जिद है, ठीक है, देख रहे हो, काफी ढूंढने के बाद ये मस्जिद। और गाइस यहाँ पे हम अभी बोले तो सत्तू पी रहे, जैसे कि बता दो सत्तू की दुकान है, बस इसी में सत्तू पी रहे। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाते हैं ये। यहाँ से हम साइड पे निकलेंगे, ठीक है। और गाइस हमारे कदम नन्हे नन्हे, सिर्फ रेहान आप देख रहे हो, जुमा का दिन है। और अहले सुबह मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हल्ले से अपने मतलब काम के लिए साइड पे, और हमारे साथ मिस्टर फिरदी भाई हैं, देख सकते हैं जब भी कैमरे पे आता है मतलब लुक चेंज करता है। अरे हम तेरा तारीफ कर रहे भाई, स्मार्ट है तो देख रहे। बिल्डिंग का खूबसूरती से पता चल जाता है ये कलीम ग्रुप का। और दरियाकल भी दिखा देता हूँ, हमारा दरियाकल मशहूर जो कोलकाता का, देख रहे गाइस। हम इसका स्मार्टनेस का तारीफ करते हैं ना तो इसको लग जाता है, देख रहे हो कितना वो हो। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। विराट डोगरियाल का तरह नहीं लग रहा, विराट डोगरियाल का तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैम होना चाहिए? भालो भालो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह वीडियो होती वीडियो, ठीक है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आज से हम साइड पे जाते, ठीक है, साइड पे काजी करती साइड पे क्या जरूरत। और गाइस ये हमारे बोले तो एरिया में अच्छे लोगों में से है, समझ रहे हो। यहाँ पे ना मतलब रोड पार करने में कोई झिझक नहीं रहता गाइस, क्योंकि अपना एरिया है, साले वो रोड पे खड़ा कर देंगे गाड़ी को। यहाँ से हम निकले हैं मेघी दुकान से, देख रहे हो, और अपने साइड की ओर जा रहे हैं गाइस। आज बोले तो जादवपुर में हमारा साइड चल रहा है, तो जादवपुर जा रहे हैं। बने रहना मेरे साथ अच्छे कंटेंट के साथ। और 218 का वेट कर रहे हैं, अभी 218 ही जाएगा वहां पे। यार कल पता है नहीं, भी तो एक घंटा वेट करना पड़ा वहां पे आने के लिए, खाली वहां पे खाली एक मेजरमेंट लेने के लिए गए थे और आने के लिए एक घंटा वेट करना पड़ा मेरे को। फिर लास्ट में पार्क सर्कस का बस पकड़ा और पार्क सर्कस से का बस पकड़ के फिर वहां से फिर दूसरा चेंज करना पड़ा, तो थोड़ा मसला हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। फिर दुकान पर भी नहीं बैठ पाए और जिम भी नहीं जा पाए, इस वजह से काफ़ी लेट हो गया था, सिर्फ बस की वजह से गाइस। सो देखते हैं आज क्या होता है। और वहाँ पे ना मस्जिद ज़्यादा दिखता नहीं है, पता नहीं, वहाँ पहले पूछना पड़ेगा किसी से मस्जिद है कि नहीं। आज जुमा का दिन है, मस्जिद मिल जाए तो बेहतर है, दुआ करना गाइस। और गाइस हम वहाँ पे उतर गए, देख रहे हो वो बस हमारा, वो बस से उतर के हम लोग बस अभी इनसाइड जा रहे हैं, ठीक है। ये रूट पकड़ के अंदर जा रहे हैं, आपको पूरा दिखाने वाला, पूरा कवर करने वाला। यहाँ पे ऑटो बहुत ज़्यादा चलता है, देख रहे हो, लाइन से ऑटो है, रिक्शा है, और अच्छी अच्छी दुकानें भी मिलेंगी आपको यहाँ पे, देख रहे हो। अंदर में पूरा मार्केट है, इसके अंदर पूरा मार्केट है, ये सब भी पूरा मार्केट है जो जा रहा ना। रिक्शा देख रहे हो, पुराना जमाने का रिक्शा, हम लोग का जो बोले तो गांव में चला करता था, अब वो भी नहीं चलता है। इस यहाँ पे आ गया, एक चीज तो बहुत जबरदस्त वाला ऑब्जर्व किया हूँ, क्यों क्या, कि यहाँ पे मिठाई की दुकान बहुत ज्यादा है, मतलब तो हर एक दुकान के बाद आपको स्वीट शॉप मिलेगा, हर एक दुकान के बाद। और लोग खाते होंगे बंगाली एरिया ना, इस वजह से लोग मिठाई को ज्यादा तरजीह देते होंगे, उर्दू वर्ड निकालो भाई, तरजीह। और आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे पूरा सब्जी वब्जी का बाजार भी लगा हुआ है, और अच्छी अच्छी अपार्टमेंट दिखने को मिल रही है यहाँ पे, देख रहे हो। मार्केट पीछे छोड़िए, हम थोड़ा आउट में जा रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा शायद, सर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि अफरीदी भाई है कौन। हमारा इनका रिश्ता जो है ना, चेला गुरु का रिश्ता है गाइस, ये हमारे चेले हैं और हमारे इससे गुरु है। बोलेगा कुछ गुरु नहीं है भाई हम, हाँ तो फिर बात सही है, तो कस के बोलो, तो बोलते रहे गुरु तो हो तुम, हाँ तो वही चीज है गाइस। बहुत लोग आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मतलब हम लोगों का क्या सिस्टम है, भाई तो ये मेरा चेला है, मैं इसका गुरु, तो दोस्ती वाला सिस्टम जो होता है ना हम लोगों का, तो एक अलग बॉन्ड है, चेला गुरु है, मगर क्या दोस्ती बहुत ज्यादा हम लोग, क्या बोल रहा, कहीं भी जाते हम लोग साथ में, कोशिश करते हैं कि साथ में जाएं। और गाइस बहुत अच्छी अच्छी दुकानें भी दिख रही हैं यहाँ पे, और गाइस वो चीज़ दिख रहा है आपको, वो वाला चीज़ दिख रहा है,
बोले तो कोलकाता में कॉरपोरेशन बनाया जाता है ये, बोले तो कचरा वचड़ा आपको आपका यहीं पे जमा होगा और यहाँ से उठेगा, एरिया का पूरा कचरा यहाँ पे जमा होगा और इस गाड़ी से लेके रोज एवरीडे मॉर्निंग में ये लोग लेके उठा के लेकर जाएंगे। ये सिस्टम है कोलकाता का गाइस। फाइनली हम अपने साइड पे आ गए हैं, बोले तो देख लूँ लोगों को काम बता दूँ क्या है नहीं है। अफरीदी गया भाई, ये क्या बोलते हैं लिफ्ट से गया, मेरे को थोड़ा वॉक भी हो जाएगा अपना, और मैं इससे भी जा गया दिखाते तो क्या चल रहा है गाइस। ठीक है, और गाइस मैं आपको न्यू साइड में दिखा लेकर आ गया हूँ। ठीक है, दिस इज द माय न्यू साइड। बाप रे अफरीदी, देख सकते हैं आप पूरा एसी का पूरा पॉइंट निकाल दिया लड़का आते के साथ, देख रहा कोच क्या जी का पॉइंट है ब्रो। देख सलाज दे रहा है बोला हमको नहीं मालूम। और गाइस देख रहे हो ये सब कुछ हद तक काम हो ही गया है यहाँ पे, समझ रहे हो। आपका ये पेंडिंग रहा है, ठीक है, और पेंडिंग है शायद चचा त्रास लगे हुए, ठीक है, और ये भी पॉइंटलेस पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब रहा मेन ये जो वायर जो है जुड़ रहा है उसको सही करना है। ठीक है, और मैं दिखा दूं आपको ये बाथरूम क्या है भाई, ये पूरा बाकी है। सो गाइस ये रहा मेरा न्यू साइट जो आपने देखा, जादवपुर का साइट है और काफी बड़ा है, 2 BHK है, बड़ा बड़ा सब कुछ है। और इसमें मेरा मास्टर बेडरूम है, अगर जो रूम में अगर आपको बोले तो रूम प्लस बाथरूम मिलेगा साथ अटैच तो उसको हम लोग मास्टर बेडरूम बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ हद तक काम निकल जाए तो बेहतर यहाँ पे। हाँ बोलो, और वो कहाँ दोस्त मंगाली लाने के नीचे वाले। अच्छा, और सब आदमी वहाँ लाने गया। सो गाइस और सब आदमी वहाँ लाने गए हैं, मतलब 5-6 बंदे और हैं जो मतलब वायर जितना जल्दी हो वायरिंग को फिर जितना जल्दी हो फिर जितना जल्दी हो आपको तुमको वायरिंग ऊपर क्लियर कराना है। ठीक है ना, जितना कोई सब अफरीदी का ऊपर में, मेरा चेला का ऊपर में, जो भी है सब कुछ हम इसी का ऊपर में छोड़ रहे हैं। क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? बड़ा जोश में लड़का एक नंबर। सो गाइस बने रहना मेरे साथ, और अभी पता नहीं यहाँ पे मैं कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा, मस्जिद नहीं दिख रहा गाइस। सो इस चीज का ये है, जुमा का दिन है और आज सूर्य का अब भी पढ़ा नहीं हो तो देखते हैं। और सामने में ना एक अनाथ आश्रम है और बहुत बड़ा वाला मंदिर है, मैं वो चीज भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और गाइस आपको मैं आश्रम दिखाता हूँ यार, देख रहे हो वो जो दिख रहा है ना आपको वो वाला पूरा आश्रम है, देख रहे मंदिर गाइस बहुत बड़ा वाला आश्रम है यादवपुर गाइस। बोले तो कोलकाता में मतलब इतना बड़ा आश्रम मैंने दिखा था यहाँ पे, मतलब यादवपुर में यहाँ पे आके दिखा इतना बड़ा मेरे को मंदिर, इतना बड़ा आश्रम, और अच्छा लग रहा है सबका बिहेवियर अच्छा गाइस। ऑल ऑफ वन वी आर और इक्वल गाइस। सो बने रहना मेरे साथ, अभी यहाँ पे 1 घंटे के बाद मेरे को जाना पड़ेगा ये क्या बोलते हैं मस्जिद ढूंढने के लिए, पता नहीं मस्जिद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बने रहना मेरे साथ। और गाइस अभी हम नमाज के लिए जा रहे हैं और देखते हैं मस्जिद किधर है, पहले ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं। उन लोगों को सबको काम बता दिया और लिफ्ट बाय लिफ्ट हम लोग मैं अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। ठीक है, और गाइस ये रहा हमारा अनाथ आश्रम, ठीक है, देख रहे हो कितना बड़ा अंदर में, और वो रहा मंदिर, मतलब मंदिर प्लस अनाथ आश्रम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा वाला मंदिर है गाइस और बहुत बड़ा वाला अनाथ आश्रम भी अंदर में, शायद इधर से कवर नहीं हो पाएगा, ये रहा उसका मेन गेट। और गाइस आगे चल के किसी ने बताया कि आगे चल के मस्जिद है, तो देखते हैं अगर मिल जाता है तो शुक्र हो। और गाइस फाइनली हम यहाँ से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, ये मस्जिद है। ठीक है, देख रहे हो काफी ढूंढने के बाद ये मस्जिद मिला है मेरे को, अब यहाँ से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ऊपर वाले का। और गाइस अभी हम इसमें से चूज करेंगे कौन सा खाएंगे हम। ठीक है, पहले तो सिंघाड़ा खाऊंगा भाई, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद वो प्रीति भाई बोल रहे हैं वो खाएंगे हम। ठीक है भाई, देख रहे हो ये बंगाली पूरा स्वीट है बंगाली। शाम के 5:30 बज रहे और अभी हम अपने साइड से निकल रहे गाइस, तो काफी हद तक काम हो गया है, कल थोड़ा काम पेंडिंग है बस, वो संतराज का काम क्लियर हो गया गाइस, और कल का काम थोड़ा पेंडिंग है वो क्लियर करना है, तो कल हो सकता है आऊँ या हो सकता है कोई दूसरे शॉर्ट लीग वाला साइड पे जाऊँ, कन्फर्म नहीं है। अभी पहले समोसा खा लो भाई, स्वीट बोला ना यहाँ पे कदम कदम पे स्वीट दुकान है, तो समोसा खाएंगे फिर अमृति खाएंगे यहाँ पे।
और गाइस देख सकते हो हमारा ये समोसा और अभी और गाइस ये रहा हमारा बोले तो जादापुर से आउट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा खासा एरिया गाइस, इसको हल्के में ना ले तो बेहतर है। पूरा अंदर है, पूरा मार्केट मार्केट दिख रहा आपको, दिख रहा बोले तो ये सेंट्रल रोड हो गया, जादापुर सेंट्रल रोड। हम लोग वहाँ पे खाए थे एक जगह, बट मेरे को पसंद नहीं आया जरा सा भी। और अभी हम जाएंगे, ये रोड है, हम यहाँ से बस मिलेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ से यहाँ से बस आएगा गाइस। गाइस अभी वहाँ से बोले तो साइड से वापस आया हूँ, यहाँ पे दुकान पे हूँ। और बोले तो अभी डोसा जा रहा था, मतलब डोसा वाला निकलता जा रहा था यहाँ से, तो मेरे को लगा कि डोसा खाया जाए। काफी बोले तो भूख लग रहा है, आई एम सो हैंग्री दिस टाइम, तो मैं डोसा बनवा रहा हूँ। देख रहे हो गाइस, ये मेरा डोसा बन रहा है। और गाइस ये रहा आपका डोसा। ठीक है, और ये रहे हमारे मास्टर साहब, बोले तो मैनेजर साहब, और वो लोग वो रहे डोसा वाले और पैसा काट रहे। अभी हम 100 रुपया दिए उनको, थैंक यू। और अभी हम इसको खाने वाले। सो गाइस फाइनली अभी बोले ना, ये क्या बोलते हैं, जोर तो पढ़ लिया, बोले तो जुमा भी पढ़ लिया, असर मगरिब ईशा, ये तीन नमाजें मेरी अभी बाकी है गाइस। सो अभी पढ़ना पड़ेगा, मतलब साइड पे जाने के बाद ना ये कजा हो जाता है यार। तो प्रे फॉर मी यार, दुआ करो कि कोई भी नमाजें मेरी कजा ना हो। हम ये नहीं चाहते कि मेरी कोई भी नमाजें कजा हो गाइस। इसके लिए मेरे को बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है, जब कजा होता है ना कोई नमाज, मेरे को अंदर से गिल्टी फील होता है यार। और अभी मिस भाई साहब, नूर साहब अभी फोन किए थे, वो अभी यहाँ पे आ रहे, तो उसके वजह से मैं दुकान खुला रख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो फोन नहीं करता तो हम चल जाते दुकान बंद करके नमाज पढ़ देते। सो बने रहना मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें गाइज। और प्लीज कॉमेंट लाइक करना ना भूलें यार, कॉमेंट तो करो, कुछ तो पूछो, कुछ तो बोलो यार। और प्लीज इंस्टा और फेसबुक का आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ गाइज, हो सके तो वहां भी मेरे को फॉलो कर लेना गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।